स्विफ्ट कोड, बताइए भारत में पैसा भेजने के लिए। अब आपको आज टाइप्स ऑफ मनी पढ़ाना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी, पैसों के प्रकार, किस किस टाइप का पैसा होता है। विदेश में भेजने के लिए कौन सा कोड चाहिए, अब भारत में भेजने के लिए। चेक बाउंस ना हो इसके लिए इंसान क्या करता है, डीडी या ड्राफ्ट बना लेता है, डिमांड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कभी बाउंस हो सकता है, उसके आपके अकाउंट से पैसा लेइए के बनीवे करता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट एक तरह का कैश पैसा है, समझिए तो, कि बस फर्क यही है कि आपके अकाउंट में जाएगा, वो बाउंस होने का डर नहीं होता। पहले जो बिजनेस होते थे, अभी भी बड़े बड़े बिजनेस को देखिएगा किस पे होते हैं, ड्राफ्ट पे होते हैं, जहाँ फेथ की कमी है वहाँ ड्राफ्ट। अब फेथ की कमी का छोड़िए ना भाई, फेथ गया अपने जगह पे है यहाँ पर। ड्राफ्ट क्या होता है, ज़्यादा सेफ होता है, और उसी का छोटा रूप होता है चालान। आप अपना फॉर्म वगैरह भरते होगे ना, तो ड्राफ्ट या क्या बनाने को भेजता है, चालान। आप वहाँ ड्राफ्ट भी दे देंगे तो चलेगा, चालान भी दे देंगे तो चलेगा, चेक नहीं चलेगा, क्योंकि पता चला आप एडमिशन करा लिए, चेक बाउंस हो गया तो चौपट हो जाता है वहां पे। आज लाइव वाले को क्या हो गया जी, पीछे टीवी में दिक्कत है, आवाज नहीं आ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा लाइव हो ही नहीं रहा, पता नहीं किस लाइव है ना। चलिए देखिए बाबू, हम लोग आपको स्विफ्ट कोड तक पढ़ा दिया था, आज एटीएम पढ़ाना था। एटीएम का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज जॉन सेफर्ड वार्नेस, किसने किया, जॉन सेफर्ड वार्नेस, किसने किया था, जॉन सेफर्ड वार्नेस ने किया था। किसकी खोज, एटीएम मशीन की खोज किया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कब किया था, 1967, 70 की 67, 1967 जॉन सेफर्ड वार्नेस ने इसकी खोज किया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम में केवल ऐसा नहीं होता कि पैसा निकलता है, 1967 में हुआ था ये, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसकी खोज हुआ था इसका। भारत में पहली बार पैसा निकालने वाला एटीएम 2004 एसबीआई ने कोची के झंकार नामक एटीएम पे लगाया था। कहाँ लगाया था, झंकार नामक एटीएम पे। एटीएम में कहीं नहीं लिखता है कि पैसा गिनने वाला मशीन, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक है, टेलर मतलब गिनने वाली मशीन, ऑटोमेटेड गिनने वाली मशीन है। अब उसमें किसी भी चीज़ को गिन के दे सकता है, एक पानी बोतल निकालने वाला एटीएम होता है। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, जैसे दूध की कंपनी है, जैसे सुधा है, अमूल है, पराग डेयरी है, मदर डेयरी, ये इनका क्या रहता है, दूध लगाने वाला क्या डाल देता है एटीएम, वहाँ पैसा डालिए क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या फिर एटीएम से कटवा दीजिए,
अपना वहाँ से पैसा नहीं दो, वहाँ एटीएम मशीन डालिए, पैसा कटवाइए, वो आपको एक लीटर जितने के हिसाब से उस टाइप का दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें केवल पैसे का ही इस्तेमाल हो, लेकिन ज़्यादा प्रयोग इसको किस लिए होता है, पैसा निकालने। इसलिए ये अमूमन हो जाता है कि एटीएम किसके लिए काम आता है, पैसे निकालने के लिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? भारत में पहली बार किसका लगा था? किसका? एसबीआई का लगा था। किसका लगा था? एस। अब इसमें कई तरह के एटीएम होते हैं, बैंकों का एटीएम बताइए। बैंक पहला होता है आपका बैंक एटीएम, इसमें किसका होता है? बैंक का होता है। दूसरा होता है एक ब्राउन लेबर एटीएम। कौन सा एटीएम? ब्राउन लेबल एटीएम। वो आपको ब्राउन कलर का नहीं दिखा, एक होगा वाइट लेबल एटीएम। कौन सा हो गया? वाइट लेबल, ब्राउन लेबल। इस प्रकार के एटीएम में, एटीएम में नगद की व्यवस्था तथा इंटरनेट सर्विस की व्यवस्था होती है तथा शेष काम तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाता है। इसमें भी बैंक का क्या होता है? लोगो होता है। देखिए मेनली एटीएम दो ही टाइप का होता है, लेकिन तीन, एक होता है आपका बैंक एटीएम, बैंक का अपना एटीएम होता है, बैंक का अपना एटीएम, इसमें सारा काम धाम कौन करता है? बैंक। दूसरा होता है ब्राउन लेबल। कौन सा लेबल? ब्राउन लेबल। इसमें क्या होता है ना कि बैंक किसी थर्ड पार्टी, किसी कंपनी को कहती है कि आप इस एटीएम की देखभाल कीजिए, आप इस एटीएम की सिक्योरिटी दीजिए और हमसे पैसा लीजिए और आप उस एटीएम मशीन में भर दीजिए। तो कई ऐसे एटीएम होते हैं जो बैंकों के काफ़ी दूर होते हैं, तो बैंक उसे खुद देखभाल नहीं कर पाती है, तो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से करा देती है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्राउन लेबल। दोनों पर स्वामित्व किसका रहता है? बैंक। दोनों पर स्वामित्व बैंक। कोनो कोनो एटीएम ऊपरा बैंक है, नीचवा एटीएम है, तो वो कौन सा एटीएम है? बैंक के आसपास में है तो बैंक, ज़्यादा दूर एरिया पे है तो ब्राउन लेबल। दे दिया किसी कंपनी को, उसको सैलरी दे देगा, हेडेक तो कम रखेगा ना, वरना कर्मचारियों को हैंडल करना बहुत तामझाम वाला काम होता है, कोनो को नहीं देखेगा तो सूत जाएगा, एटीएम छोड़ के सूत जाएगा वहां पर। अब एक होता है वाइट लेबल एटीएम। कौन सा? वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम आप भी खोल सकते हैं, ऐसी कंपनी जिसको बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है और वो भी अपना एटीएम बैठा दी, तो उसे क्या कहा जाता है? वाइट लेबल एटीएम। क्या कहा जाता है? वाइट लेबल। अब ये वाइट लेवल एटीएम कमाते कैसे हैं? तो अलग अलग बैंकों से इनका क्या होता है? टाइप होता है। दूसरा कि आप अगर अपने लिमिट से क्रॉस करेंगे और उसमें से निकालेंगे पैसा, तो उसका क्या होगा? ट्रांजैक्शन फीस ले लेगा। जैसे आप देखे होंगे टाटा का एटीएम, देखे होंगे, देखे येलो कलर का होगा टाटा का एटीएम, क्या लिखता है उसे? टाटा इंडिकैश। नहीं देखे हो? इंडिकैश एटीएम होता है, टाटा कंपनी का होता है वो, टाटा इंडिकैश एटीएम, इस टाइप का एटीएम देखे हैं? इंडिकैश ये रहा, ये किसी बैंक का नहीं रहता है, लिखा है इसमें क्या चीज़? इंडिकैश। ये किसी बैंक का एटीएम नहीं रहता है, एक छोटा सा दिमाग लगाता है ऐसे कि डाउनलोड नहीं हो सकता है, इतना बैल है सब। चलिए ध्यान दीजिए, ये कौन मार प्राइवेसी था इसमें कि उसमें प्राइवेसी लगा रहा है कि डाउनलोड नहीं कर सकते हैं? उसमें क्या चीज़ था स्पेशल? मतलब एक होता है ना कि बिना मतलब का जो नौटंकी रख रखता है, कोई सिक्योरिटी लेवल की चीज रहती है उस पर अगर लगाता है डाउनलोड रिस्ट्रिक्शन, तो समझ में आता है कि चलो भाई हाई एटीएम जो सार्वजनिक चीज है इस पर लगाता है यहाँ पे। ये कौन सा एटीएम है? वाइट लेवल एटीएम। कौन सा एटीएम? वाइट लेवल एटीएम। इसमें देखिए किसका क्या लिखा है? टाटा प्रोडक्ट। क्या लिखा है? टाटा। टाटा कंपनी जो है उसको बैंकिंग से कोई मतलब है नहीं, तो वो जब ऐसी कंपनी जिसको बैंकिंग से कोई मतलब नहीं रहता वो भी एटीएम सर्विस देती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वाइट लेबल एटीएम। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना करती हैं, इसका नाम क्या है? इंडिकैश। देखे हुए कि नहीं इस एटीएम को? यहाँ से जाइएगा ना कोचिंग से इस साइड में जाएंगे तो भिकना पहाड़ी से 100 मीटर पहले एक मंदिर पड़ेगा सड़क पे इस साइड में, उसी के साथ देखिएगा बगल में क्या है? इंडिकैश। हाँ कई जगह पे है सभी सब। अब हम आपको गली गली का मोहल्ला का पता थोड़े बता सकते हैं आपको। तो आपका कितने टाइप का एटीएम मशीन हो गया? तो मशीनवा कितना टाइप का? तीन टाइप का, बैंक एटीएम, ब्राउन लेबल, वाइट लेबल। ब्राउन लेबल और वाइट लेबल।
कौन सा लेवल? व्हाइट लेवल। आगे बढ़ जाए तो एटीएम की टाइप समझ में आ गया। अब एटीएम कार्ड जो आपको दिया जाता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अमूमन आप सब लोग के पास डेबिट कार्ड होगा। क्या होगा? डेबिट कार्ड। क्या होगा? डेबिट कार्ड। और कुछ लोग के पास क्या होगा? क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो अलग अलग कार्ड होते हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बस ऊपर में लिखा रहता है कि आपका डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस और किसी खास चीज का अंतर नहीं होता, बस ऊपर में क्या होता है, लिख देता है डेबिट है या क्रेडिट है। कार्ड सेम रहेगा दिखने में, दोनों कैसा रहेगा, सब सेम, लेकिन बस एक रहेगा डेबिट एक रहेगा क्रेडिट। अंतर क्या होता है कि उसके ऊपर लिखता है कि क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है। पॉइंट ऑफ सेल को मिनी एटीएम कहते हैं, उसको ही बता देते हैं। एटीएम कार्ड में तो किसी, एटीएम में तो किसी को दिक्कत नहीं है। कितने टाइप का एटीएम देखे? तीन टाइप का तो देखे ना, बैंक लेवल, ब्राउन और व्हाइट। एक POS मशीन होता है जिसको हम लोग POS कहते हैं, लेकिन कई लग में जिसे मिनी ATM कहा जाता है, कुछ लोग इसे क्या माइक्रो ATM, हालांकि वो होता है POS मशीन। POS मशीन पॉइंट ऑफ सेल, POS मशीन को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। देखें ये वाली मशीन, POS मशीन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। आप जब शॉपिंग करने जाते होंगे तो इसका यूज किया जाता होगा, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो ATM। हालांकि यही होता है POS, इसे क्या कहा जाता है, POS पॉइंट ऑफ सेल, POS मशीन। इसे आप माइक्रो ATM भी कह सकते हैं, हालांकि इसका नाम एक्चुअली होता क्या है, POS पॉइंट ऑफ सेल। ये सेफ होता है, कई लोगों को लगता है कि हमें पिनवा डाल देंगे तब का होगा। देखिए पिन डाल देंगे तो उसे क्या होगा, कार्ड घरे ले आएंगे ना अपना, ये एक बार स्वाइप पर एक ही पेमेंट ले सकता है। अगर आपको दो बार पेमेंट करना है 2,000 रुपये का, तो आपको कितनी बार स्वाइप करना पड़ेगा, दो। ऐसा नहीं कि एक बार स्वाइप में आपका हो जाएगा, एक बार इसे स्वाइप कर दीजिए और उसके बाद इसमें क्या कर दीजिए, वो बिल भर देगा कितने का है, आप पिन भरिए क्या हो जाता है, कट जाता है। सारा चीज़ क्या होते हैं, सेफ होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्यों होता है, शॉपिंग करने के लिए होता है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास अकाउंट है, पैसा है, अब किसी दुकानदार को पेमेंट करना है, तो या तो आप एटीएम से निकालिए फिर उसको कैश दीजिए, वो ले जाएगा अपने बैंक में रखने के लिए। उससे अच्छा है कि उसी को क्या दीजिए, पॉइंट ऑफ सेल दे दीजिए, सीधे इस अकाउंट से किस में चला जाएगा, दूसरे अकाउंट में चला जाता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सेल, तो इसे हम लोग माइक्रो एटीएम भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल को। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर समझिए। बाबू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, वो HDMI के प्रॉब्लम की वजह से, पीछे का टीवी बंद कर देते हैं, यहीं से देखो तुम लोग, बाकी सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ देखते चलो लोग। डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट में जो पैसा रखा है उसे निकालने का एक क्या है, साधन है। हमारे अकाउंट में जितना पैसा है डेबिट कार्ड से उतना पैसा निकल सकता है। तो बताइए ये अकाउंट में रखे पैसे को निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए क्या होता है, विड्रॉल करने के लिए क्या करता है, विड्रॉल कर देता है। बैंक से पैसा को निकाल देता है कौन, डेबिट कार्ड। तो बैंक के पैसा को विड्रॉल कौन करता है, डेबिट कार्ड। और उधार कौन दे देता है, क्रेडिट कार्ड। जैसे मान के चलिए हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये है, तो हम डेबिट कार्ड से कितना निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड के लिए आपके पास अकाउंट का होना जरूरी है। जब आपके पास डेबिट कार्ड होता है तो आपका अकाउंट से क्या, आप उसे क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, फिर अपने अकाउंट में जमा करते हैं और इसी कार्ड की मदद से निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते जी? तो पैसा निकालने का साधन होता है कौन सा कार्ड, डेबिट कार्ड। पैसा निकालने का साधन डेबिट कार्ड, पैसा निकालने का साधन डेबिट कार्ड। लेकिन जब आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं तो बैंक आपके ऊपर निगरानी भी रखती है कि आप किस टाइप के आदमी हैं, पैसा टाइम से चुका देते हैं कि नहीं चुका पाते हैं, अकाउंट में ज़्यादा पैसा है कि कम पैसा है, किस लेवल का आपका ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीज़ों पे बैंक क्या करती है, नज़र रखती है।
तो कुछ सालों बाद आपके बैंक को या कुछ महीनों बाद बिलीव हो जाता है कि आप ठीक ठाक इंसान हैं, आपके ऊपर बैंक क्या कर सकती है, भरोसा कर सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? हमेशा ये नहीं होता है, कुछ कुछ समय में ही अच्छा खासा आपका ट्रांजेक्शन लिमिट हो जाएगा तभी जाके ये होगा। जल्दी लगाओ ना जी, ऑनलाइन पूरा डिस्टर्ब करके रखा है। थोड़ा सा कभी कभी एक आध सेकंड में ब्लैक हो जाता होगा बाबू, नमो है उसका ब्लैक मैजिक, काला जादू। सॉफ्टवेयर का नाम होता है ब्लैक मैजिक, जिसपे वीडियो और ऑडियो जाता है वहां पर। देखिए, हमारा अपना पैसा कौन निकाल दिया? डेबिट का। लेकिन जब बैंक को बिलीव हो जाता है तो बैंक आपको शुरुआत में कुछ लिमिट देती है, कहती है कि हम आप पे 20,000 रुपये का आपके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आपको बैंक 20,000 रुपये लिमिट लगाकर आपको क्या दे देती है, क्रेडिट। ये 20,000 रुपये आपका नहीं है, किसका है? बैंक का। आपके पास अगर डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है तो आप पैसा ATM से निकाल सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से आप निकाल सकते हैं। वो आपका पैसा नहीं है, किसका है? बैंक। अब बैंक कहती है खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो? खर्चा करो, हमको तुम 45 दिन बाद लौटाना। कितना दिन बाद लौटाना? तो आदमी 10,000 खर्चा कर दिया, मान लीजिए चले 20,000 का लिमिट था, 20 का 20,000 निकाल दिया और 45 दिन बाद दे दिया, तो क्या उस पर ब्याज लगेगा? नहीं, ब्याज नहीं लगे। लेकिन 45 दिन क्रॉस कीजिएगा तब क्या लगने लगेगा? ब्याज। और ब्याज उसका बहुत हाई रेट होता है, बहुत ज़्यादा भी हाई रेट नहीं होता है, मतलब अपना अलग अलग, मतलब बैंकिंग का ब्याज उतना भी नहीं रहता, लेकिन जितने भी ब्याज है उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर किसका रहता है? क्रेडिट कार्ड का, टाइम वार्ड हो जाने पर, टाइम अगर ज़्यादा हो गया तब। अब क्रेडिट कार्ड से बैंकों को फ़ायदा दो होता है, एक वो अपने कस्टमर को खुश रखते हैं कि भाई बैंक में पैसा रखे तो बैंक भी हमारे ऊपर क्या किया, बिलीव किया कि क्रेडिट कार्ड दे दिया हमको, कभी गए अचानक ATM में पैसा नहीं है, पिताजी को भेजने में दिक्कत हो गया, नहीं भेज पाए, तो बैंक में तो पैसा खत्म नहीं होता है, धड़ाक से उसका क्या लगा दिए, क्रेडिट कार्ड। अब वो दे दिया पैसा, 45 दिन का तो टाइम है ही है, 45 दिन में अपने ATM में मंगा लेंगे, अपने अकाउंट में मंगा लेंगे, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू इसमें क्या कर देंगे, भेज देंगे कि लो भैया बैंक महोदय तुम्हारा काम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्रेडिट कार्ड से बैंकों को थोड़ा सा अपने ग्राहकों को क्या मिलता है, सहूलियत होता है। दूसरा, वो आपको बिगाड़ देती है, क्रेडिट कार्ड आपको बिगाड़ देता है। देखिए, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको पता है कि ये में 500 रुपये है, किसी को लेके नहीं जाने लायक है घुमाने, ना तो 500 का आइसक्रीम में खा जाएगा। नहीं समझ में आ गया? हल्ला मत कर रहे, तुम कौन कूदता है काला जामुन, वो कूद रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इससे क्या होता है, बिगाड़ देता है। अगर आपके ATM में, अभी कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं, हाथ उठाओ। और किसी के बैंक का लिए भरोसा करेगा बेरोजगारों पे? आप लोग पे भरोसा करने लायक भी नहीं है। तो आप बताइए, अगर आपके ATM में पैसा कम है तो आप किसी को घुमाने ले जाएंगे, शॉपिंग कराने ले जाएंगे? नहीं। और अगर उधर से कह दिया, क्या कह दिया कि ना हमको आज थोड़ा सा शॉपिंग करना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, 300 रुपये है इसमें, आप क्या करेंगे? बहाना कर देंगे, पैर टूट गया। नहीं कर देंगे, लड़का बहाना कर दे, सीढ़ी पे से गिर गए थे, मोच आ गया है। अब इसमें से 40 रुपये का एक पट्टी लिया के खरीद लेगा, देखो ना मोच आ गया, ओ माई गॉड, रहने दो, ठीक है तुम आराम करो, दूसर का के साथ चल जाते। चलिए, तुम लोग का बकलोल समझता है सबको। तुम लोग का नंबर जेड पे होगा, XYZ। चलिए अब ध्यान, ये बेचारा कह रहा है कि सर हमको तो बैकअप में डाली हुई है, ये बेचारा तो पूरा खत्म हो गया, हम तो बैकअप में है।
चलिए ध्यान दीजिए, अगर किसी आप में से बताइए, अगर इतना पैसा है 300 रुपया तो आप कभी जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? बहाना, तबीयत खराब है, छत पे से गिर गए हैं, या क्लास चल रहा है, घर से कोई आया, कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? बहाना। लेकिन वही बैंक अगर आपको कभी डेबिट कार्ड दिया रहेगा, क्रेडिट कार्ड दिया, क्या रहेगा? क्रेडिट कार्ड। आपके पास है क्रेडिट कार्ड, आऊ आके कह रही है ठोड़ रंग के कि हमको कहां ले जाना है, समझ में गया? और वो अपना 200 रुपया का ठोड़ रंगेगी, आपका 2000 खर्चा करा देगी। आप क्या कहेंगे? अरे यार उसमें नहीं है तो इसमें है ना, चलो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड आपको बिगाड़ देता है। इसलिए कभी भी देखिएगा ऑफर जो रहता है वो डेबिट कार्ड पे नहीं रहता है, क्रेडिट कार्ड। कि क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2000 सस्ता। वो जानता है कि ससुरा हम जैसे HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, कोई भी बैंक, कहते आज तो हम 2000 सस्ता दे रहे हैं। जिस दिन तू बिगड़ेगा ना, 20000 ना निकाल लिए तुमसे तो तू कहियो नहीं, समझ आया? तो आपको क्या करता है? ऑफर देता है, और धीरे धीरे आपको क्या करता है? लत लगाता है। जिस दिन लत लग गया उस दिन किससे पैसा निकलेगा? क्रेडिट कार्ड। ये चौपट कर देता है क्रेडिट कार्ड। बड़े शहरों में तो इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़े शहरों में खर्च करने के लिए ऑप्शंस भी है। कभी KFC में चल गया, डोमिनोज में चला गया, यहाँ और यहाँ कहाँ, सुरेंद्र जी के ठेला पे, ना तो शर्मा जी के ठेला पे, ना तो उनके चाय के दुकान पे, इनके चाय के दुकान पे, इस सब कम खर्चा। और शहरी क्षेत्र में ज्यादा खर्च, सारी यहाँ के क्षेत्र में घूमने वाला जगह कौन सी है? दो चिड़ियाघर, NIT हेन तेन, और दिल्ली मुंबई में तो घूमने वाला जगह बहुत ज्यादा है। कईयों को नो कह दिया कि हमको जहाजे से घुमा दू, लिमिटे क्रॉस कर जाएगा इसका, नहीं समझ में? लिमिट का अगर कोई कह दे जहाज पे घुमाने के लिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर पे घुमा दू, 250 आदमी की जान ले चुका है अभी तक। तो आपको बिगाड़ने के लिए क्या दिया जाता है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं कीजिएगा, ये चीजों को मैक्सिमम चाहिएगा यूज ना करें। लेकिन कभी कभी आपकी मजबूरी हो जाती है क्रेडिट कार्ड यूज करना, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट में कई बार ऐसे बाउंडेशन लगा दिए जाते हैं कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना US वगैरह में, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें, जैसे जूम एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन मीटिंग के लिए, जूम होता है, उस ससुरा डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेता है। वो हमका जबरदस्ती कहता है किसमें दीजिए? क्रेडिट कार्ड। किसमें दीजिए? क्रेडिट कार्ड पर। तो इससे ले लेता है वहां पे। कुछ कुछ उन लोग का क्या होता है, बाउंडेशंस होते हैं, अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसकी वजह से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर समझ में आ गया? क्रेडिट कार्ड में किसका पैसा रहता है? बैंक का। हमारे पास अभी तक एक को क्रेडिट कार्ड नहीं है, हाँ, जबकि डेली एक दो को कहेगा सब। हाँ, लगभग 40 से 45 दिन सारे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का लाइन देता है। 40 दिन तक आप उसको क्रेडिट लाइन यूज कर सकती हैं, 40 से 45 दिन बाद ही है। किसी बैंक में 45, किसी दिन में 40, ऑन एन एवरेज यही है। 45 दिन बाद आपको ब्याज काटने लगेगा, क्यों तो 30-30% लेता है, बहुत ज्यादा लेता है। 30% ज्यादा थोड़ी है, सालाना 30% ले लिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें लिमिट कर दिया किस चीज का? ये इंसान को देख के लिमिट बनाते हैं सर। हमारे क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख रुपया, देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका खर्च करने का बिहेवियर कैसा है। अब आपका हिस्ट्री देख रहा है कि जब आप शॉपिंग करने जाती हैं तो 8000, 9000, 3000, 5000, तो आपको लिमिट देगा 3 लाख का, आपको लिमिट कम कर देगा। तो जैसे जैसे खर्च बढ़ाते जाएगा वो आपको देखते जाएगा, लिमिट क्या करता है? बढ़ा देता है। अब हम आज तक खलोईबे नहीं किए हैं, हमको चिल्लाता है कि आपके कस्टमरी इनवा नहीं बैठल रहती है सब, कस्टमरी आप फोन करेगी, आपके नंबर पर क्रेडिट कार्ड आ गया है, आप इसको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हम अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल ना करते हैं, इनका क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिट डेबिट समझ में आ गया आप लोग? हाँ, और वो चीज आगे की चीज होगी, यह समझ में आ गया? देखो लिमिट जो होता है बाबू, वो आपकी हिसाब से देता है कि आपके कितनी आपकी काबिलियत है,
समझा गया कि नहीं? अभी बताओ ना, अंबानी जाएगा, अडानी अंबानी जाएंगे सर क्रेडिट कार्ड के लिए, तो बैंक के खड़ा हो जाएगा महाराज, पूरा बैंक आपके लिए, जितना लूट सकते हैं ले जाइए, जितना ले जा सकते हैं। तो आप अपनी तुलना सबसे नहीं कर सकते, डिपेंड करता है ना कौन किस लेवल का है, कितना बैंक में पैसा है। एक और आदमी रहेंगे सर बैंक में रहेगा 300 करोड़ 400 करोड़ रहेगा इस तरह से बैंक में, तब जबरदस्त रहता है सब पैसा एक और के अकाउंट में, उस सबको क्रेडिट बताइए। ओकरा अगर किसी के बैंक में 100 करोड़ रुपया है, कितना करोड़, 100 करोड़, और उसको बैंक कहेगा हम आपको 20,000 का क्रेडिट कार्ड देते हैं, चार को सुना देगा उसको उसी को दे देगा, तुम ही ले ले हमारे यहां से। तो डिपेंड करता है किस टाइप का बिहेवियर है उस चीज का। अब एटीएम जो बनाता है कौन चीज बोल, ब्याज कैसे काटेगा इसका, देखिए पूरा चोरी करने वाला दिमाग लगा रहा है, कह रहा है कि इसका पैसा खर्चा कर दिया है, इसका भी खर्चा कर दिया, अब वो अपना पैसा लेके कैसे जाएगा, इसका खर्चा किया तो कोई दिक्कत नहीं आपका था, और कह रहा है कि मैं पूरा खर्चा कर दिया, देवे नहीं करेंगे, तो केवाईसी कराए होंगे ना, आएगा घर है होगा सब आपको ठीक कर देगा, वहां पर घर आएगा, सबसे पहले केवाईसी कराए होंगे ना, और बिना आपके अकाउंट खोले डेबिट कार्ड तो बना नहीं होगा, और उसके बिहेवियर पे ही आपको क्या मिला होगा क्रेडिट कार्ड, ये अपने को उसी यहाँ समझ रहा है, भाग जाएंगे यहाँ से, बाप रे बाप। गरीब आदमी को बैंक कभी नहीं छोड़ती है, याद रखिए घर से उठवा लेती है, पकड़े तो नहीं अंबानी, अभी अडानी का कर्जा माफ हो गया है, राइट ऑफ पीएनबी तो नहीं पकड़े, नीरव मोदी को दाते काट लेगा, विजय माल्या सब दाते काट लेता है सब। अब यह समझिए ध्यान से सुनो बाबू, एटीएम कार्ड जो होता है इससे पैसा निकालना बड़ा झमेला का काम होता है, किस तरह से कि उस एटीएम में कितना पैसा है कितना नहीं है सेकंडों में उसको जानकारी आना चाहिए, और हिंदुस्तान के सारे एटीएम के पास सबकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारा खाता अगर पंजाब बैंक में है तो पंजाब बैंक ये कह सकता है कि मेरा खाता में कितना पैसा है, क्या आईएफएससी कोड है, ये हर पंजाब बैंक के एटीएम को वो बता सकता है, बता सकता है कि नहीं बता सकता, लेकिन क्या मेरे अकाउंट में कितना पैसा है ये पंजाब बैंक किसी एसबीआई बैंक को बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि जैसे बताएगा कि ये खान सर का अकाउंट है, ये उनका मोबाइल नंबर है, इतना पैसा है, ओकर मैनेजरवा फोन करेगा सर एसबीआई में भी ऑफर अच्छा है यहां खाता खुलवा लीजिए, हर बैंक अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहते, इसलिए अपना पर्सनल डाटा से दूसरे को शेयर नहीं कर, यही हो गया दिक्कत। जब हमारा अकाउंट पंजाब बैंक में और वो हमारी जानकारी एसबीआई को शेयर नहीं करेगा तो हम पंजाब बैंक के एटीएम से एसबीआई के एटीएम मशीन से पैसा निकाल पाएंगे, तब एक ऐसा थर्ड पार्टी चाहिए, तीसरा आदमी जिसको हर बैंक वाले अपना जानकारी शेयर करे, और इस शर्त पर शेयर करे कि वो किसी और को शेयर न करे, और इस शर्त पे भी करे कि वो आदमी आगे जाके अपना बैंक न खोले, न तो और बवाल हो जाएगा, कहेगा ला 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 हमको बता हमको बता, होगा अपने बैंक खोल देगा यहाँ पर समझा गया कि नहीं, बवाले हो जाएगा पूरा। तो इसलिए किसी न किसी क्या होता है थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, उस थर्ड पार्टी में सबसे फेमस था वीजा, क्या था वीजा, पीएनबी भी अपना जानकारी किसे देता था वीजा को, एसबीआई भी वीजा को, सबसे ज्यादा जानकारी किसके पास हो जाती है वीजा के। अब आपके एटीएम कार्ड पे अगर वीजा लिखा है हिंदुस्तान या दुनिया के किसी बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हैं, किसे वीजा से। एक और था मेस्ट्रो, क्या था मेस्ट्रो, इससे भी जानकारी दी जाती थी। एक था मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड क्या था मास्टर कार्ड, बताइए मास्टर कार्ड के पास भी सारी जानकारियां रहती थी, लेकिन ये ससुरे अपना जानकारी सेव करने के लिए कोई ना कोई सर्वर रूम बनाए होंगे सब, ये छोटा सर्वर रूम कोनो इंग्लैंड में रखा था, कोनो अमेरिका में, कोनो जापान में। मोदी जी आए कहें कि हमारा डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, भारत में इसका क्या होना चाहिए डाटा सेंटर खोलिए, 3 महीने का टाइम देते हैं डाटा सेंटर खोलना है तो खोल लीजिए, इनको लगा कि मोदी चिल्ला के रह जाएंगे, अरे भाई साहब मोदी है मोदी, किसी से नहीं सुनते हैं मोदी जी, उनमें बहुत ये सब चीज बहुत बोल दिए तो बोल दिए, मोदी और अमित शाह बोल दिए ना तो किसी को ना सुनते हैं।
वीजा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो इनोटंकी करने लगे लोग, हम भारत में कैसे अपना डाटा रूम लगाएंगे, सर्वर रूम लगाएंगे। तो मोदी जी कहे सुन छोटा कहीं का, यहाँ से कितने लोगों का एटीएम दिया है? कहा कि हाँ वही होगा कुछ 80-90 करोड़ लोगों का एटीएम होगा यहाँ पर। कहा कि तुम 80 या 90 करोड़ लोग का एटीएम लगा है, तो अमरीका की उतनी जनसंख्या नहीं है, तो अमरीका में सर्वर रूम लगाएगा, जितना यहाँ का एटीएम दिया उतना में तुम्हारा पूरा यूरोप की जनसंख्या आ जाएगी। तो कहा ऐसा है, तो आरबीआई ने कहा कि देखिए भीख मांगने से अच्छा है अपना खोल लिया जाए। तो भारत ने खुद का क्या खोल लिया, रुपए, क्या खोल दिया, रुपए। अभी एसबीआई अपनी सारी जानकारी किसे दे देती है, रुपए, हाँ रुपए को। आप जब एटीएम से पैसा निकालते हैं, कार्ड लगाते हैं, तो मशीनवा को सारा जानकारी आपका बैंक देता है कि रुपए देता है, जिसका वीजा होगा वो क्या देता है, वीजा, जिसका मास्टर कार्ड होगा मास्टर कार्ड, जिसका मेस्ट्रो होगा मेस्ट्रो देता होगा। समझ आ गया कि नहीं गया? क्या एक बैंक अपनी जानकारी दूसरे बैंक को देता है? नहीं देता है, वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी को देता है। और एटीएम खुलवाने का चार्ज लगता है, या चार्ज कौन लेता है, यही थर्ड पार्टी ऐप लेते हैं, यही थर्ड पार्टी क्या करते हैं, कंपनी ले लेते हैं। अभी रुपए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं अभी सबके कार्ड पे क्या लगा हो, रुपए। लेकिन पता नहीं क्यों भारत के लोगों में अजीब सी एक चीज देखते हैं, वो कहते हैं कि वीजा रहेगा तो विदेशों में पैसा निकाल सकते हैं। सर जो तेरा पासपोर्ट बनले नहीं है, आप पैसा निकालेंगे कहां से, विदेश से। वाह मेंटेलिटी देखो, क्या जरूरत है आपको वीजा का, कोई जरूरत है आप लोग को? निकालेंगे पैसा विदेश से, वीजा लेंगे, सब लोग क्या लीजिएगा, रुपए। हिंदुस्तानी बन के सोचिए, हमेशा क्या लीजिए, नहीं तो मेरे ऐसा रहिए, एटीएम में नहीं है। ये हमको ना शॉपिंग वगैरह करने का कभी शौक है नहीं है, कभी भी ये सब कुछ शौक है नहीं हुआ सब चीज का। अब जो ये कोचिंग की सामान वगैरह आता है ये चेक से चला आता है, क्योंकि इसका तो पूरा कंपनी टू कंपनी आता है, उस कंपनी ने हमारी कंपनी को ट्रांसफर किया जितना सामान वामान लगेगा, जैसे ये सब चीज़ें। तो हमारा ज़्यादातर चीज़ हमारा किससे होता है, चेक से। एटीएम कौन जाएगा, लगाओ एटीएम कार्ड निकालो यहाँ पर, आगे बढ़ जाए। ये सब क्या चीज़ होते हैं, सब एटीएम सर्विस प्रोवाइडर, एटीएम सर्विस प्रोवाइडर। ये बताइए अगर हमारे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो एसबीआई की जितनी मशीनें में है उसमें तो एसबीआई बता देगा कि हमारे कस्टमर है, लेकिन क्या एसबीआई पीएनबी को बताएगा? तो वो सारे के सारे बैंक मिल के जानकारी किसे दिए हैं, सब इन्हीं सबको दिए हैं। अभी भारत में सबसे तेजी से क्या है, रुपए चल रहा है। इसके नाम में दिक्कत ये हो जाता है कि जब हम इसे विदेश में ले जाएंगे तो ऐसा लगने लगेगा कि ये भारत का है, समझा गया। लेकिन अमेरिका वालों का दिमाग देखिए, ऐसा नाम रखता है सब पता नहीं चलेगा अमेरिका का, वीजा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो पता ही नहीं चलेगा। यूरोप की एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लक्स वही बनाते हैं, पाउंड पाउंड्स, ये जितना आप कॉस्मेटिक क्रीम उरीम देखते हैं ना सब वही बनाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इतना होशियार है, उस कंपनी का मेन नाम है यूनिलीवर, और जिस देश में जाता है ना उस देश का नाम वो अपने आगे लगा देता है, श्रीलंका यूनिलीवर, पाकिस्तान यूनिलीवर, बांग्लादेश यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। भारत के लोग लगता है वाह रे भैया हमरे है। तो उन सब का ना टैक्टिस बहुत लंबा होता है, वो बड़ा दूर तक सोचते हैं सब। यहाँ पे आप खुद सोचिए, रुपए को चाइना में सक्सेस होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगे, पाकिस्तान में तो तूर देगा से एटीएम है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सर एक पैरामिलिट्री का कार्ड होता है, तो उनका अपना कार्ड होता है, कैंटीन का कार्ड, उस तो देखिएगा तो हमारा भी कोचिंग का ही कार्ड होता है। उतना थोड़ी देखा जाता है, ये समझ में आ गया। वीजा के कितने लोगों के कार्ड पर वीजा लिखा हुआ, तुम लोग अंग्रेज लोग अपना वीजा रुपया करा लो। तुम विदेश जाएगा, अफ्रीका चले जाओ। हाँ दे दिया तो अब देखिए बैंक भी दे देते हैं सर, क्योंकि कंपनी क्या देती है, कमीशन, कंपनी क्या देती है, कमीशन। अब सरकार को किस पे देना चाहिए, रुपए पर, कुछ नहीं करना है। भारत के लोगों को बस इतना कर देना है, रुपए कार्ड पर जो है वो लिमिट जो है वो ज्यादा है, जैसे इस पे 4 बार पैसा निकाल देंगे तो लिमिट, और रुपए का रहेगा तो 6 बार रहेगा तो आपको पैसा चार्ज नहीं लगे। ऐसा होता है ना, 4 बार से ज्यादा एटीएम से निकाल लेते हैं तो पैसा लगता है, कितना लगता है जी, अरे कुछ 25-30 रुपया ऐसे लगता है।
अब सरकार को इसको बढ़ावा देना है तो कैसे दिए? चूंकि ये भारतीय है अतः हम भारत वाले को कहते हैं कि अगर इस ये पैसा आपके पास है तो आप 6 बार पैसा निकाल सकते हैं। जी देखिए धड़ल्ले से लोग कहेगा रुपए, ए मैनेजर साहब हमको रुपए दीजिए, वीजा नहीं चाहिए। किसी को वीजा मिलेगा तो मैनेजर के ऊपर, हे मैनेजर कमाई तो हमरा से, हमको क्या चाहिए रुपए। तो ये सारी चीजें जो है टैक्टिस होना चाहिए हमेशा। वित्त मंत्री को इस दिमाग का होना चाहिए कि किस तरह से हम कहाँ से कबाड़ से पैसा कैसे निकाल ले, उस खोपड़ी का क्या होना चाहिए वित्त मंत्री। आप देखिए रुपए को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, चलिए बढ़ेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? डायरेक्ट आपको बिना अकाउंट के कोई क्रेडिट कार्ड किसी को दे देगा? पता ही नहीं उसको कि इंसान कैसा है। आपका बिहेवियर जब चेक करता है, रिकॉर्ड चेक होता है सारी कंपनी। हम लोग जो है ना, हम भारत के लोग, इंग्लिश में कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कुछ दिन में हो जाएगा वी द डाटा ऑफ इंडिया। हम लोग धीरे धीरे एक डाटा बनते जा रहे हैं। डाटा, डाटा मतलब समझते हैं जानकारी। आप यूट्यूब पर क्या सर्च होते हैं, ये अल्फाबेट सारा रिकॉर्ड करता है। गूगल का बाप है अल्फाबेट, अल्फाबेट पेरेंटल कंपनी है, गूगल उसका एक हिस्सा है, यूट्यूब उसका एक हिस्सा है। वो सब टुकुर टुकुर देख रहा है। अच्छा सर्च करता है कि अच्छा होटल कौन है, अगले दिन प्रचार आएगा पटना का सबसे अच्छा बिरयानी। आप देखिएगा ज़्यादातर प्रचार आप उसी से रिलेटेड देखिएगा जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। अच्छा उसके बाद देखिएगा अगर आप वीडियो, आप YouTube पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं तो सर्च बार में वही आता है जिससे आपका इंटरेस्टेड रहता है। आपको कभी नहीं आया होगा कि यूरेनियम का कारखाना कहाँ है, लड़का लोग को कभी नहीं आया होगा कि लेकमे का क्रीम हेनतेन है। इस टाइप का आप लोग को बड़ा ज़्यादा देता होगा इस तरफ, क्योंकि आप लोग रिलेटेड उसको सर्च करते होंगे लोग। और लड़का को पता है कि भैंस के चमड़ा पे कोनो क्रीम लगाओ, और लड़का क्रीम लगाएगा कौन, आधा दुर्वा बचा बचा लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाओ खत्म हो गई लो, यहाँ लगाओ ये पे लगाएगा तो ऊपर दिखेगा लगाई लो बबुआ, सवाल पैदा नहीं होता है। कई तो लड़का तो इतना उठता है तो बस इसे साफ कर लेता है, चल दिया हो गया मेकअप। तो हमेशा जो भी ऑनलाइन कंपनियां आपके बिहेवियर को क्या करती हैं, वॉच करती हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, किसी चीज को। एक चीज और देखिएगा, अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो देख लीजिए जिसमें आप अमूमन पहले कभी नहीं देखते थे, जैसे बिजली घर से बिजली कैसे बनती है, एक बार आप सर्च कीजिएगा, अगले 2-3 दिन तक आपको उसी टाइप का एक वीडियो नीचे सर्च में देते रहेगा। ये सब क्या हो रहा है, एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धीरे धीरे आप एक जाल में फंसते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा जाल स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद करने के लिए भारत में लाया गया है आपका यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम। आप शॉर्ट्स पे जाइएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स तो 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो रहेगा जिसे किसी काम का नहीं रहेगा, आपके रियल में वो किसी काम के नहीं रहेंगे, सब इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादातर रहेंगे। लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपके ब्रेन से डोपामीन निकलता है, जब आप इंटरेस्ट टेंशन फ्री हो जाते हैं तो ब्रेन से क्या निकलता है, डोपामीन, तो वो निकलेगा ना, तो आप उस चीज को ज्यादातर और भी उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो अगर किसी रिलेटेड देख लिए वीडियो हंसने लगा, उसमें देखेंगे हंसने, तो वो समझ जाएगा कि बबुआ के एकरे में इंटरेस्ट है। तो आप अपने पढ़ाई कर रहते रहेंगे, नीचवा कोनो सर्च बार में दे देगा, कोनो देखेंगे ना कुछ शॉर्ट दे देगा, अब गए उसमें। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार यूट्यूब हिस्ट्री जाके देखिएगा, आप एक शॉर्ट देखने गए थे कम से कम 30 देख के आएंगे। देखते हैं, इस सब चीजों से बच के रहिएगा। इंटरनेट का यूज तब कीजिए जब जरूरत है। स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कैसे करता है, गया वो क्या करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए, कॉल लगाने से पहले ऊपर व्हाट्सएप आया वो देख लिया, व्हाट्सएप पे किसी चीज का लिंक था उधर गया, वीडियो देखा नीचे कोनो शॉर्ट्स आ गया उसमें घुस के रह गया, बाद में बाप रे फोन करना था पापा को। इस सब चीजें से बचिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये कहलाता है प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी। किसी को दिक्कत? आप लोग अभी डेबिट कार्ड यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो खर्चा करा देगी सब। लड़का कितना सीधा होता है, लड़का कभी खर्चा कराता है जी? सीधा होता है सभी सब। आई खर्चा करने के लिए बोले तो ना ना दलिदर की तरह खाएगा सब। नहीं समझ में आ गया, लड़की सब देखिएगा ना, कोनो कोनो ब्याह शादी में एक्स्ट्रा मतलब वो रहेगी, खाना कैंगन खाएगी, एक चम्मच खाएगी, ओकरा घरे में देखिएगा ना,
यही सब क्रेडिट कार्ड को खर्चा करा देती है सब, समझ में गया कि नहीं आ गया। लड़का खा लिया रुमाल रखता है, हो गए लो चलो बैठ बोल लो। ये सब चीज के लिए बचिए, नहीं तो पैसा क्या हो जाएगा, खर्चा। आप लोग को यह पता है प्लास्टिक मनी, आप समझते हैं धातु मनी, कौन सी मुद्रा, धातु, धातु मुद्रा, धातु मुद्रा, धातु मुद्रा। ये किसी बहुमूल्य धातु का बना होता था, इस मुद्रा पर किसी भी प्रकार के मोहर निशान डिजाइन से मतलब नहीं था। इसमें मुद्रा की वैल्यू उस धातु की वैल्यू होती थी, इसके अंदर इंटरनल वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य होता था। क्या होता था, आंतरिक मूल्य, कौन सा मूल्य होता था, आंतरिक मूल्य होता। जैसे सोने का मुद्रा, सोने का सिक्का है तोड़ दीजिए तो भी उतने का चलेगा, चांदी का सिक्का है मोड़ दीजिए तो वो उतने चलेगा, रगड़ दीजिए जितना बचेगा उतने चलेगा, धाके पीट दीजिए उतने चलेगा, ओके टेढ़ टाढ़ कर दीजिए उतने चलेगा। तो इस मुद्रा के अंदर उसकी खुद की वैल्यू होती थी, न कि उसके डिजाइन और उसके लिखावट की। लेकिन जो मुद्रा हम लोग यूज करते हैं वो होती है कागजी मुद्रा, कौन सी, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसके डिजाइन और लिखावट की वैल्यू है। जैसे मान के चलिए किसी के पास 10 रुपए का नोट है, फाड़ दिया दो भाग में, हो गया काम खत्म, नहीं चलेगा आप बोल। अरे वो फाड़ देते हैं तो उसका बदले में वो आरबीआई कहती है कि नोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, 10 रुपया का फाड़े हैं तो आपको 7 रुपया दे के चला देगा, 10 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा वहां पे, और वो वापस जाके उसे चेंज करा देते हैं, समझा गया कि नहीं। आरबीआई ऑफिस में ले जाके क्या करता है, चेंज करा। जैसे आपका कोनो सिक्का है 5 का सिक्का, ओके ट्रेन के पटरी पे ले जाके चाप दिए, अब 5 रुपया हो गया, अब चलाओ, अब चल जाएगा। लेकिन अगर वही चांदी का सिक्का है ट्रेन के पटरी के नीचे जाके चाप दिए, चल जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि उस वो कैसी मुद्रा है, धातु मुद्रा। तो धातु मुद्रा में वैल्यू किसकी होती थी, धातु की, और कागजी मुद्रा में वैल्यू डिजाइन, फोटो, कागज, ये सब का वैल्यू। जैसे 2000 का नोट है लिए और दीवार पर इसे रखे और रगड़ दिए इसे 30-40 बार, लो गांधी जी बदरंग हो जाएंगे, इसे हो गया काम, अब चल जाएगा कि चलेगा। तो किस मुद्रा के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कागजी, इंटरनल वैल्यू 0। जो वैल्यू है उसके डिजाइन की, जो वैल्यू है उसके रंग की। आप पता चला आपका लाल रंग का है किस चीज का नोट, 2000 का, ओके हरियर रंग दिए, चलेगा नहीं चलेगा। अब चौकोर है आपका 2000 का नोट, उसको काट के गोलिया के गोल कर दिए, चलेगा नहीं। लेकिन वही सोना का झुमका है, उसको कूच के गोली बना दीजिए, उसका मन कुछ बना दिए, बनता ही। आप देखिएगा महिला लोग को आइडिया होगा कि गहना पुराना होता है तो उसको गला के नए डिजाइन का बना दिया जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, आंतरिक मूल्य है। तो पहले सोना चांदी का सिक्का चलता था, तो अभी के वक्त में जनसंख्या बढ़ने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। अब कैसी मुद्रा आ गई, कागजी मुद्रा। और कागजी मुद्रा पर उस सर ये एक लीगल मनी होता है, कैसा होता है, लीगल मनी। कोई उस मुद्रा को लेने से मना कर दिया उस देश के अंदर तो उसे जेल हो जाएगा। अगर 2000 का नोट दिए और कोई कहता है कि नहीं हमको डॉलर में पैसा दो, हम रुपया में नहीं लेंगे, और वो इंडिया में है तो उसको जेल हो जाएगा, क्योंकि जो किसी भी देश की मुद्रा उस देश के अंदर लीगल वैल्यू होती है, क्या होती है, लीगल, जिसे लीगल टेंडर कहते हैं। भारत के लिए लीगल टेंडर रुपया, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी रुपया, अमेरिका के लिए डॉलर। आप अमेरिका में बैठ के भारतीय रुपया रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन भारत में बैठ के भारतीय रुपया रिफ्यूज किए तो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। अगर नोट फटा है, जरूरत से ज़्यादा पुराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बदले दूसरे पैसा मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे आप नेपाल में जाइएगा तो नेपाल में भारतीय रुपया इजिली चल जाता है, लेकिन अगर कोई नेपाल का आदमी आपसे कह दिया कि नहीं हम भारतीय नहीं लेंगे, तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। भारत में अगर आएंगे तो नेपाल से सटा हुआ जो जगह है वहाँ नेपाली रुपया भी चल जाता है, लोग रख लेते हैं कि उधर जगह चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो बाध्य नहीं है। तो बताइए कागजी मुद्रा कैसा होता है, लीगल टेंडर। क्या होता है, लीगल टेंडर। भारत का लीगल टेंडर क्या, कौन सा रुपया है, रुपया, कागजी रुपया, वो क्या है, लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर है कि नहीं है, कागजी मुद्रा का अपना वैल्यू होता है, और धातु मुद्रा का, अभी भी देखिएगा धातु, एक चीज और देखिए,
धातु मुद्रा का वैल्यू बढ़ते जाता है। धनतेरस के दिन देखिएगा सिक्का बड़ा महंगा बिकता है, चांदी का सिक्का, और जितना पुराना होगा उतने महंगा देगा वो। विक्टोरिया सिक्का देता है तो ये सिक्का वो सिक्का देखते हैं, चांदी का सिक्का। धनतेरस के दिन कहते हैं लोग शुभ होता है, सब लोग खरीदते हैं लोग धनतेरस के दिन, कुछ ना कुछ खरीदते हैं लोग। ओके, एक दिन पहले झाड़ू खरीदते हैं विपद भगाने के लिए, ऐसे नहीं होता है जी? झाड़ू उड़ू खरीदा जाता है ना, झाड़ू सूप ये सब चीज खरीदा जाता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों? तो आगे का क्लास मंडे को करेंगे। बीच वाला